ये तस्वीरें हम आपको जम्मू से कटरा राजमार्ग है उसकी दिखा रहे हैं। वहां पर अचानक एक गाड़ी को आग लग गई है और ये तस्वीरें देखें, पूरी तरह से गाड़ी जो है वो जलकर राख हो गई। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इसमें सुनने में ये आ रहा है कि 7 से 8 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से जख्मी है। गाड़ी पूरी तरह से फुल थी और ये गाड़ी जो है वो कटरा से जम्मू की तरफ शायद आ रही थी। और ये तस्वीरें आप देखें, वहाँ पर लोग देखें किस तरह से वहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। गाड़ी की तस्वीरें देखें, गाड़ी जो है वो किस तरह से जल रही है और दमकल विभाग की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने का कार्य जो है वो चल रहा है, लेकिन अचानक गाड़ी में आग कैसे लग गई ये एक सोचने का विषय ज़रूर है। और तस्वीरें देखकर हम सब दंग रह गए। और जब हमने ये खबर भी सुनी कि गाड़ी में अचानक आग लग गई है तो आश्चर्य होता है कि आखिर आग गाड़ी में लग कैसे गई। ये दमकल विभाग के लोग देखें किस तरह से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और ये लोग जो हैं वो आग बुझाने का जहाँ पर काम कर रहे हैं, गाड़ी में आग जो है वो लगी है। और ये घटना इसकी जानकारी जो है वो हम आपको विस्तार से देंगे कि ये कहाँ आग लगी है, कैसे आग लगी है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए शुभम हैं जो कटरा से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। शुभम जी, अच्छा शुभम जी, इस खबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देंगे, ये कहां से कहां जा रही थी गाड़ी और कहां पर आग लगी है। जी ये सभी लोग जम्मू के थे कि बाहर से आए हुए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो इसमें कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं? जो शुरुआती हमारे पास खबरें पहुंची थी जिसमें हमें बताया जा रहा था कि 7 से 8 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, तो अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। इस तरह की घटना कभी पहले भी सामने आई है, अचानक गाड़ी में आग लगी हो?
चलिए शुक्रिया शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये शुभम जी थे जो हमें जानकारी दे रहे थे। और ये एक बड़ी खबर है कि अचानक गाड़ी में आग लग गई, और जिसमें अभी जो हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी कि 10 से 12 लोग जो हैं वो जख्मी हैं, जिन्हें उपचार के लिए कटरा लेकर गए थे, लेकिन जो ज़्यादा गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, झुलस गए हैं आग में, उनको GMC में रेफर किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको वहाँ की ही दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये देखें एक महिला किस तरह से रोती बिलखती हुई दिख रही हैं। तो बढ़ती गर्मी के कारण ये देखिए किस तरह की घटना जो है वो सामने आई है। और इसमें ज़्यादातर जैसे हमारे सहयोगी पत्रकार, ज़्यादा डिटेल में तो अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि पुष्टि नहीं की गई है कि कौन लोग थे, कहाँ के थे, कौन है, लेकिन ज़्यादातर श्रद्धालु ही होते हैं इन बसेस में, और अचानक आग लग गई। अभी कारण क्या है वो भी पता नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही अपडेट आता है हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। बने रहें स्टेट समाचार के साथ, मुझे और मेरे सहयोगी।